हिंदी न्यूज चैनल और इंडिया टीवी ग्रुप आज तक एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के हाथ अपना बयान दर्ज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से एक निजी टीवी चैनल और एक निजी अखबार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल जब जो है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी और उस वक्त जो है लगातार टीवी चैनलों पर और मीडिया में ये सुर्खियां बनी हुई थी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के रिश्ते में खटास पैदा हो गया है, दोनों के बीच दूरियां आ गई है। अब इस पर ललन सिंह ने जो है लगातार हमला भी बोला था। दरअसल नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया और खुद जदयू की कमान संभाली। अब इस पर एक बार पहले भी ललन सिंह ने, आपको अगर याद हो तो हमने वो ट्वीट दिखाया था जिसमें ललन सिंह ने एक निजी चैनल पर, एक निजी जो है टीवी चैनल पर और एक निजी न्यूज़पेपर पर उन्होंने हमला बोला था और उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा पटना के न्यायालय में उन्होंने दायर की थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे यानी नीतीश कुमार और ललन सिंह के 37 साल के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तमाम अखबारों से और तमाम टीवी चैनलों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें आप लोग कह रहे हैं हमारे रिश्तों के बीच खटास की, आप बातें कह रहे हैं, क्या इसके पीछे आपके पास कोई तथ्य है? अगर आप तथ्य आपके पास है तो वह हमें दिखाइए, अगर तथ्यहीन बातें आप करते हैं तो आपके ऊपर हम मानहानि का केस करेंगे। और उन्होंने किया भी था। अब इसके बाद ललन सिंह ने पटना के न्यायालय में जा करके अपनी बयान भी दर्ज करवाई है जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दी है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने पटना के न्यायालय में आज तक टीवी चैनल और दैनिक जागरण समाचार पत्र पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ जाकर अपना बयान भी दर्ज करवाया है। तो देखिए, लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते के बीच जो है दूरियां हो गई है, दूरियां आ गई है, उनके रिश्ते के बीच खटास पैदा हो गया है, ऐसी खबरें आ रही थी। और कुछ टीवी चैनल्स, कुछ अखबार वाले जो है वो इस खबर को चला रहे थे। अब इस पर ललन सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके बयान को सुनवाते हैं आपको और साथ ही साथ उनके ट्वीट को। मैंने हिंदी न्यूज चैनल और इंडिया टीवी ग्रुप आज तक एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां जाके अपना बयान दर्ज करवाया। मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को यह बताया कि आज तक ने 29 दिसंबर को यह खबर फैलाई कि मैं नीतीश कुमार जी को हटा के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, उसके लिए कई तरह के मैंने वार्ता की, 10-12 विधायकों की बैठक की, जो पूर्णतः असत, निराधार और मनगढ़ंत कहानी। इसके अतिरिक्त दैनिक जागरण ने यह खबर छापी कि 20 दिसंबर को मैंने पटना में एक मंत्री के आवास पर 10-12 विधायकों की बैठक की जिसमें मैं खुद उपस्थित, जबकि सच्चाई यह है कि 20 दिसंबर को मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ था, शाम में सभी सांसद, जो 16 सांसदों के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बैठक, उस बैठक का फोटो सभी सांसदों के साथ 21 दिसंबर को दैनिक जागरण में छपा। तो मैं 21 दिसंबर को अगर दिल्ली में, 20 दिसंबर को अगर दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में था तो 20 दिसंबर को यहां कहां विधायकों की बैठक में था। मैंने दोनों चैनल को और समाचार पत्र को कानूनी नोटिस भेजा। मैंने कहा कि आप
अपने सूत्र का कोई खुलासा मत कीजिए। आप न्यूज, आपके द्वारा प्रकाशित समाचार सही है, इसको सत्यापित करिए और बताइए कि कब और कहां बैठक में हम उपस्थित हैं। किसी ने नहीं किया, कहानी गढ़के उन्होंने कानूनी नोटिस का उत्तर दिया। मैंने अदालत में मुकदमा दायर किया और आज मैंने अपना बयान अदालत में दर्ज कराया।